से कि ये वाली जो ऐप है ये स्विच से कैसे बनेगी। आ जाओ भाई, सवाल जो पूछना है ना इससे वो बड़ी बड़ा वो रखता है वैल्यू कि वो सवाल पूछ क्या रहे हैं आप। अब मैं इससे क्या बोलूँगा, मेक परसेंटेज टू ग्रेड कन्वर्टर इन ES6 यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, ये था सही जवाब, वही लिखा कोड इसने एग्जैक्टली जो थोड़ी देर पहले मैंने लिख के दिखाया था। मतलब मैंने तो नहीं लिखा था, आपसे ही मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था। ये तो ये फंक्शन है, ऊपर वाले को इग्नोर करो, कोड असल में यहाँ से शुरू है। ये ग्रेड होगा, इसके अंदर कोई वैल्यू होगी जो यूज़र से मिली है मुझे, और यहाँ पर ट्रू है, उसके बाद यहाँ पर पूरी पूरी कंडीशन होगी। मैं कंट्रोल जेड करके ज़रा वापस लाता हूँ ना, जो ये हम लिख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कोड, तो परसेंटेज इक्वल्स टू 70 होगा मेरे पास। स्विच के अंदर मैं ट्रू दूंगा यहाँ पे, सही है। अब अच्छे से गौर से सुन लो कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। यहाँ पे मैं ट्रू दूंगा और केस की जगह पे मैं क्या दूंगा, जो मैं इफ़ के अंदर बात लिखता हूँ ना, सेम वही बात मैं केस के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, तो आ जाओ सारे के सारे केस बना लेते हैं हम। ठीक है जी, ये मैंने 60 वाला केस बना लिया, अब 70 वाला केस बना लेते हैं। जी नहीं नहीं वो तो अभी लॉग मैंने चेंज नहीं किया, वो लॉग सभी में इनवैलिड लिखा हुआ, अभी उसको चेंज करता हूँ मैं, उसको भी करता हूँ चेंज ना, वो मैंने चेंज नहीं किया। सही है, और एल्स में हमारे पास लास्ट में जो है ना ये वाला लॉग है, इनवैलिड परसेंटेज। ठीक है, इस पूरे को ज़रा पहले कोडिंग अच्छे से कर लेते हैं तैयार। सॉरी और फेल है पहला वाला, ये वाला सॉरी और फेल आ गया, और उसके बाद फेल के बाद जो है वो सी ग्रेड है, सी ग्रेड है 60 से कम वाला, ये सी ग्रेड आ गया जी जनाब, और उसके बाद जो है वो बी ग्रेड है 70 से कम वाला। इसका मुझे नंबर स्केल देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट जब हमने बनाया था तो नंबर स्केल का अच्छे से ख्याल रखा था, फिर ही बनाया था हमने। अच्छा, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, परसेंटेज में 70 यूज़र ने एंटर किया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रू। अब जब ये कोड चलेगा ना तो ये क्या ढूंढेगा, जो चीज़ यहाँ पे होती है ना वो वाला केस तलाश करेगा, यानी यहाँ पे ट्रू दे दिया मैंने फिक्स, यहाँ पे मैंने ट्रू दे दिया फिक्स, तो अब ये क्या सोचेगा कि केस के आगे ना जिस पर ट्रू मिल गया उसको ये चला देगा। केस के आगे अभी तो ट्रू किसी में भी नहीं लिखा हुआ, केस के आगे ट्रू लिखा हुआ जिसमें मिल गया ना ये उसको चला देगा। अच्छा, तो जैसे ही हमें इनपुट यहाँ पे मिलेगा, 70 मिला इनपुट मिसाल के तौर पे, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 70 होगा मोस्ट प्रॉब्ली, है ना, ऐसे 70 छोटा है 0 बड़ा है, क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ये बात फॉल्स है। ये रन टाइम पे कुछ इस तरह से हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये पूरी कंडीशन जो मैंने सेलेक्ट की हुई है, ये कंडीशन पूरी की पूरी ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स हो गया। इसका मतलब है ये भी हिट नहीं हुआ, ये भी हिट नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब है ये भी हिट नहीं हुआ। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बंदे ने 70 पूरा दिया हुआ है, हाँ तो ये भी फॉल्स है क्योंकि 70 से छोटे पे है ये, सही है। और ये वाला क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। जैसे ही ये ट्रू होगा ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो चीज़ मिली हुई होती है फिक्स, वही तलाश करता है ना केस के आगे, ये वाला हिट हो जाएगा, सही है। ये हिट होगा, ये वाली चीज़ चलेगी, ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद की चीज़ों को ये चेक नहीं करता, ठीक है। ब्रेक के बाद वाला भी हो सकता है ट्रू हो सकता है फॉल्स हो, लेकिन वंस ये ब्रेक होता है ना, तो ये डायरेक्ट इस ब्रैकेट के यहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये कुछ इस तरह से चल रही होगी कहानी। इसको कंट्रोल रेड करके मैं कोड को प्रॉपर कर देता हूँ, और इसको हम क्या करते हैं, अब चला के देख लेते हैं कि जब 70 लिखा हुआ है तो उस केस में क्या आना चाहिए, वो ज़रा हम चला के देख लेते हैं। चैट जीपीटी से भी हमने ये बात पूछी थी, ओहो कॉपी बात नहीं किया, ठीक है। यू हैव गॉट ए ग्रेड। अच्छा इसको अगर मैं कर दूंगा 69 तो ये क्या हो जाना चाहिए? ये बी हायर हो जाना चाहिए, ठीक है, बी हायर हो गया। तो इसका मतलब है कि हमने जो ड्राई रन किया था वो सही चल रहा है। अच्छा अगर मैं इसको दे दूं कोई ज़ीरो दे दूं तो इनवैलिड या फेल? सॉरी यू आर फेल। अब ज़ीरो से नीचे मैंने कहा है कि ज़ीरो से नीचे पे इनवैलिड है, तो अगर मैं दूंगा ना माइनस वन फिर ये इनवैलिड पे जाएगा, जो लास्ट हमने नंबर स्केल पे यही डिज़ाइन किया था और यही चल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए भी। अगर मैं इसको, हाँ हाँ अब ये, अभी इसके ऊपर आते हैं कि ये क्या चक्कर है, ठीक है। इनवैलिड है, 101 पे भी इनवैलिड है। अच्छा मैंने थोड़ी देर पहले ये जिक्र किया था कि ये परसेंटेज जब इसको मिल जाता है ना यहाँ पे, तो ये क्या करता है, ये नीचे वालों पे सब पे ये लाइन बना के सेट हो जाता है, ठीक है। बट अभी तो मैंने फिक्स दिया ना ट्रू, तो ये असल में डिक्शनरी की तरह काम करता है या जेसन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो हमारे इस केस में ना की उसकी फिक्स है, वैल्यू चेंज हो रही है, और उस केस में हमारी वैल्यू फिक्स थी, की चेंज होती थी, ठीक है। तो दोनों डायनेमिक नहीं हो सकता, कोई एक डायनेमिक हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर क्या थी, वैल्यू चेंज होती थी, इसमें क्या होता है। अच्छा इसमें होगा क्या, लेकिन इसमें होगा ये कि जैसे ही इस लाइन को रीड करेगा ना, ये इन सबको ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर चुका होगा ये उस वक्त एक ही झटके में, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि इफ एल्स जब एक करके चेक करेगा, दूसरा करके चेक करेगा, और अगर ये वाला चेक किया और ट्रू निकला अगर, तो ये ट्रू हो जाएगा, है ना, और ये चल जाएगी लाइन, और नीचे वाला चेक नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि जैसे ही ये स्विच देखेगा ना यहाँ पे, इन सबको ये एक ही झटके में कन्वर्ट मार देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बंदा एंटर करता है 25 तो ये वाले पे हिट हो जाएगा, सही है ना। तो इफ एल्स के केस में एक साइकिल घूमेगा, दो साइकिल घूमेगा, दूसरे साइकिल पे हिट हो जाएगा। इसके अंदर जो पांचों साइकिल घूमेगा भाई, भले पहला हिट हो, दूसरा हिट हो, तीसरा हिट हो, घूमेगा पांचों साइकिल, ठीक है। और पांचों साइकिल घूमने के बाद ये सेकंड वाले पे डायरेक्ट आके हिट होगा। तो यही वजह है, इसी पॉइंट पे आके ना इफ और एल्स ये दोनों इफ से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है इस पॉइंट पे आके। अगर आप और से देखें, अगर मेरे पास 100 कंडीशंस है लाइन से, तो एक दफ़ा आता है तो पहला वाला हिट होता है, चला जाता है, तो एक साइकिल घूमता है इफ एल्स में, लेकिन स्विच में वो सारा एक साथ घुमाएगा, मतलब बारी बारी घुमाएगा, ऑब्वियसली है, एक एक करके उसको घुमाएगा, लेकिन इन सबको ना वो या तो ट्रू में या तो फॉल्स में कन्वर्ट मार लेगा। उसके बाद आके जो है ना वो देखेगा कि अब आगे क्या करना है। इसको क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं, इस चीज़ को क्या, इस चीज़ को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये पहले इसको सबको ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट मारता है। कोशिश करते हैं। अगर तो मैं यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि ये तो एक जस्ट कोडिंग है ना, एक तो ये यहाँ पे अगर मैं कॉन्सोल लगा दूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग,
अच्छा इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही यहाँ पे, यहाँ पे वेल मैं कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे लगा दूँ जो मुझे प्रिंटेबल चीज़ हो, जो डिटेक्टेबल चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ मैं लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि एंड एंड करके ना मैं नम प्लस प्लस कर दूँ, है ना, एंड एंड करके अगर मैं नम प्लस प्लस करता हूँ यहाँ पे, मैं लगा देता हूँ नम वन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये लगा देता हूँ मैं, सही है। अच्छा ये परसेंटेज लेस देन ज़ीरो पकड़ेगा तो ये तो ऑब्वियसली फॉल्स होगा, तो वो एंड एंड के बाद ना इस तक भी जाएगा वो, और इसको एक बार एग्जीक्यूट मारेगा, लेकिन इससे कंडीशन में फ़र्क नहीं आएगा, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स ही रहेगा, ट्रू नहीं हो जाएगा इससे, ये भी एक बात है, अगर फॉल्स था तो फॉल्स ही रहेगा। मिसाल के तौर पर बंदे ने 25 लिखा तो ये वाला इतना पार्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, और ये पार्ट क्या रिटर्न करेगा, सॉरी इसमें प्लस पहले लगेगा वरना ये फॉल्स कर देगा पहले कोई, है ना, पहले वाले पे प्लस लगेगा ताकि वो इंक्रीमेंट करके रिटर्न मारे, तो यहाँ पे जब रिटर्न होगा वन, तो वन जो है वो ट्रूथ ही वैल्यू है, तो फॉल्स एंड और ट्रू वो फॉल्स ही रहेगा, ट्रू नहीं होगा, नहीं और से तो फिर चेंज हो जाएगी वैल्यू, मतलब और से अगला वो चेंज हो जाएगा, सही है। और मैं ऐसे करके ना इसको एक बार चलाऊंगा, और एक बार चलाने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको प्रिंट मारूंगा उस नंबर को, तो फिर देखते हैं क्या होता है, सही है। इसको मैं सब में लगा देता हूँ, कोई ऐसी चीज़ मैं मतलब लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वैसे तो मैं कॉन्सोल डॉट लॉग अभी इसको करता हूँ, जुगाड़ करता हूँ कोई ऐसा कि यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग लग जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये केस क्या है कि जो भी कोड लिखा हुआ है ना उसको इवेल्यूएट करेगा सिंगल वैल्यू पे, है ना, सिंगल वैल्यू पे लाएगा, तो उसके लिए चलाना ज़रूरी है उस कोड को, तो चलने के दौरान ये वाला काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट क्या है, फ़िलहाल हम कुछ नहीं लगा रहे, ठीक है। और यहाँ कॉन्सोल जो भी जितने भी हमने कॉन्सोल लगाए हैं, इसके साथ साथ हम क्या लगा देंगे, कॉन्सोल काउंटर जो है वो नम है ना हमारा, उसको यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूँगा, एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता, मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट, नम वन है, चलो इसको नम कर देते हैं, ये लो, सही है। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जो मुझे भी नहीं पता कि क्या रिजल्ट होगा। अच्छा अब बंदा अगर एंटर करता है 25 तो ये चलेगा, लेकिन जब ये चलेगा तो नम में क्या प्रिंट होना चाहिए, अगर तो इफ एल्स की तरह कर रहा है लाइन बाय लाइन, तो नम में टू प्रिंट होना चाहिए, एक दफ़ा इसके लिए एक दफ़ा इसके लिए, लेकिन अगर ये एक ही झटके में सबको करता है तो यहाँ पे नम में क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, जितनी बार ये प्लस प्लस लगा हुआ है, कितनी बार लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा लगा हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 6 प्रिंट होना चाहिए, देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा वो तो 25 नहीं किया ना मैंने इसको, है इनवैलिड परसेंटेज मस्ट बी दिस दिस दिस। अच्छा ये ट्रू हो जाता है, कैसे ट्रू हो जाता है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ट्रू हो जाता है, ओ अच्छा अच्छा नहीं यार ये कैसे ट्रू हो जा रहा है, नहीं मैंने पहले प्लस प्लस लगाया ना, चलो इसको वन कर देते हैं फौरी तौर पे, लाइन नंबर 109 वाला ये आ रहा है, अच्छा ये लास्ट वाला आ रहा है, अच्छा अच्छा ये वो यहाँ आ जा रहा है, अच्छा तो इसका मतलब है ये प्लस प्लस से कंडीशन में कुछ चेंज आ रहा है, ज़रा गौर से देखते हैं कि क्या चेंज आ रहा है, ये तो इतना तो फॉल्स है एंड एंड नहीं इतना ट्रू है ना यार, और ये भी ट्रूथ ही वैल्यू है, तो फिर आई सी गॉट इट, ये इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हमने लास्ट पढ़ा था कि जब एंड एंड का ऑपरेटर होता है तो वो ट्रू वैल्यू जाता है लेता हुआ और लास्ट वाली ट्रू वैल्यू को रिटर्न करता है, तो वो लास्ट वाली जो ट्रूथ ही वैल्यू है वो तो वन है, तो वन रिटर्न किया इसने और इसको यहाँ पर चाहिए था ट्रू, उसने रिटर्न कर दिया वन, है ना, इसलिए गड़बड़ हुई है।
तो ये वाला काम नहीं हो सकता ना, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको बूलियन बना देते हैं। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना बूलियन, इसको वो बना देते हैं। सही है, इसको मैंने बूलियन बना दिया कि लास्ट में अगर कोई चीज़ रिटर्न हो भी ना, अगर वन और टू हो तो उसको बूलियन में कन्वर्ट कर दो, उसको छोड़ो नहीं, क्योंकि अदरवाइज वो वन कर दे रहा है फिर। उसको रिफ्रेश, काउंटर में टू आ गया, सॉरी यू आर फेल्ड। अच्छा अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 51, यानी कि पहला छोड़ के दूसरा भी छोड़ के तीसरा वाला है ना। अब आ जाते हैं काउंटर में, अभी भी टू है। अच्छा अगर मैं कर देता हूँ इसको 90, यानी कि पहला छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरा भी छोड़ के चौथा भी छोड़ के और पांचवा भी छोड़ के छठा, अब देखते हैं क्या आ रहा है काउंटर में। अभी भी टू आ रहा है, ये दो से ज़्यादा घुमा ही नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूँ 0, यानी कि सबसे पहले वाले को हिट करा रहा हूँ मैं, तो क्या होता है, तो भी टू आ रहा है, ये दो साइकिल से ज़्यादा घुमा ही नहीं रहा। अच्छा तो अब इसकी जगह पे ना मुझे कुछ और लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये प्लस प्लस कौन से वाले दो चल रहे हैं कौन से वाले नहीं चल रहे। अच्छा दो भी नहीं, बाई द वे वन किया हुआ ना, तो वन से टू एक साइकिल घूम रहा है, सिर्फ एक साइकिल घूम रहा है ये। अच्छा तो अब यहाँ पे मैं ऐसा क्या लगाऊँ कि यहीं पे प्रिंट हो जाए। पहले तो मैं देखता हूँ console.log रिटर्न क्या करता है। console.log शायद अनडिफाइंड रिटर्न करता है। console.log ना अनडिफाइंड रिटर्न करता है। तो अगर मैं यहाँ पे console.log लगाता हूँ, इस जगह पे अगर मैं console.log लगाता हूँ, तो ये इतना पार्ट क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। तो अनडिफाइंड जब बूलियन में कन्वर्ट होगा तो वो क्या बनेगा, फॉल्स, अनडिफाइंड फॉल्स ही वैल्यू है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ नॉट, तो हमेशा ट्रू आएगा। तो वही चीज़ मैंने रिक्रिएट कर ली, लेकिन इस दफ़ा मैंने console.log के साथ की है ना। अब चल के सब में कॉन्सोल लगाते हैं और देखते हैं ये कौन सा चलाता है। सही है, आ जाओ सब में console.log लगाते हैं। ठीक है, पहला वाला console.log है ना, इसमें मैं लिख देता हूँ कि वन है ये, दूसरे में मैं लिख देता हूँ टू है ये, तीसरे में लिख देता हूँ थ्री है। अब इससे मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या चलाने से क्या वाला हिट होता है। फोर, फाइव, सिक्स, सही है। तो ये छः console.log मैंने लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ पे अगर ज़ीरो देता हूँ तो क्या डायरेक्ट ये वाला चलता है या सारा एक साथ चलता है, फिर क्या होता है। टू वाला चल रहा है डायरेक्ट, ये वाला चल रहा है, अभी लिखा हुआ है ज़ीरो। अच्छा अगर मैं माइनस वन कर दूंगा तो फिर ये वाला चलना चाहिए, तो यहाँ पे टू की जगह वन लिखा हुआ आ जाना चाहिए। जो लिख रहा हूँ ना डायरेक्ट उधर जा रहा है, ये सबको चेक नहीं कर रहा। अब ये पता नहीं कैसे कर रहा है, ये कुछ मैपिंग की है इसने, मतलब इस तरीके से समझना इसको थोड़ा मुश्किल है। जो हमने पहले वाला किया था ना उसमें तो समझ आ रहा था कि मैपिंग की हुई है, गो टू लाइन नंबर है, सीधा सीधा हो रहा है। ठीक है, अब इसमें भी ये कुछ अंदर झोल झाल करता है, तो गूगल क्रोम में तो ये समझ आ रहा है मैं कि ये तेज़ चल रहा है। गूगल क्रोम में तो कुछ कर रहा है ये अंदर झोल झाल के, एक ही साइकिल घुमा रहा है सिर्फ। अच्छा यही सेम चीज़ अगर मैं आके इसमें करूँगा तो करके देख लेते हैं। इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और इसको सबको कमेंट कर देता हूँ। सही है, इसको सबको कमेंट कर दिया मैंने, और ये पूरा मैं जो बूलियन वाला जो चक्कर घुमाया था ना मैंने, ये बूलियन वाला जो चक्कर घुमाया था वो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ बूलियन वन, बूलियन टू इसको लिखूँगा ऑब्वियसली मैं बाद में, सही है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है,
ये 6 है। अरे मगर एक चक्कर है यार, पूछो क्या। एक मिनट, माय बैड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। वो चक्कर ये है कि जिस कंडीशन में ये पहला वाला फॉल्स हो जाएगा ना, तो एंड के बाद वाले को तो वो चेक ही नहीं करता। ये क्या हुई है? इसका मतलब है मुझे ये पहले लगाना पड़ेगा, एंड बाद में लगाना पड़ेगा, है ना, ताकि ये तो हर हाल में चले, बाकी आगे वाला चले ना चले वो मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सबको एक झटके में चला देना चाहिए था, लेकिन ये एक चला रहा है सिर्फ। वो एक इसलिए चला रहा है क्योंकि जाहिर है पहले वाले पे जब चेक किया तो ये फॉल्स हो गया, तो वो एंड के बाद वाले को वो चेक ही नहीं करेगा। ये हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली थी लास्ट क्लास में। तो इसका कुछ करते हैं, इसको करते हैं पहले, शुरू में कर देते हैं। इसको मैंने ऐसे कट किया और कट करके ना इसको मैं शुरू में लेके आ जाता हूँ। अच्छा, एंड एंड भी फिर इसके बाद में लगेगा। सही है, मैंने कहा भाई ये वाला काम पहले कर लो, तो ये पहला वाला ट्रू रहेगा हर हाल में, तो एंड के बाद फॉल्स हो या एंड के बाद ट्रू हो तो मुझे अब मेरी कंडीशन शायद बेहतर हो गई है। जो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था पहले मैंने गलत लगा दिया था, ठीक है। तो पहला ये हर हाल में ट्रू मिलेगा इसको, अब पता चलेगा सही, पहले गलत आंसर आ रहा था 1। अच्छा, तो जब मैंने ये दिया इसको -1 तो ये पहले वाले पे हिट हुआ है, तो सिर्फ ये 1 का कॉन्सोल आया, किसी और का नहीं आया। अब मैं इसको देता हूँ 0, तो अब पहले वाला भी चलना चाहिए, दूसरा वाला भी, पहला वाला भी चला, दूसरा वाला भी चला। अब मैं इसको देता हूँ ये वाला, यानी कि 55 समथिंग। वन टू थ्री आ रहा है, इफ की तरह, बिल्कुल सेम इफ की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर मैं इसको दूं फिर 79, 5, अब इसको दे दूं मैं 100, पूरा 6 तक जा रहा है। ये बिल्कुल इफ की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ, नहीं वो तो थ्योरी है ना, मैं जब भी तो शुरू में मैंने ये जिक्र कर दिया था कि इन थ्योरी ये फास्ट है क्योंकि ये मैपिंग करता है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया था अगर वो 55,800 है ना, तो ये 55,850 है, तो ये थोड़ा फ़र्क है। अच्छा, वो भी समटाइम ये वो भी मैच हो जाता है, बिल्कुल समटाइम थोड़ा ज़्यादा आता है, समटाइम मैच हो जाता है, तो बहुत माइनर सा ये डिफरेंस आता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। वरना इन थ्योरी तो बिल्कुल आधे आध का फ़र्क है, इन थ्योरी जो है कि ये काम कैसे करता है। अब वो रॉबर्ट लोफर की बुक है बड़ी अच्छी, उसने एक्सप्लेन किया है वो कि ये कैसे चलता है, और भी लोगों ने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि स्विच इंटरनली काम कैसे करता है। अब ये आपने भी जाके इसको अलग से ना गूगल करना है, अलग से इस पर स्टडी करनी है आपने कि ये स्विच स्टेटमेंट इंटरनली काम करता है कैसे। अगर मैं सीधा सीधा चलाऊँ इसको तो कैसे काम करता है, और अगर मैं इस तरह करके दूं इसको उल्टे तरीके से, जो रेकमेंडेड नहीं है, ये तरीका रेकमेंडेड नहीं है, ये ट्रू पास करके, और ये वो तरीका है कि ज़बरदस्ती इसके साथ हम कर रहे होते हैं। करेगा काम तो ज़ाहिर है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो 2 की जगह पे नहीं, नहीं ये इसी तरह चलेगा। अगर मैं 2 की जगह पे परसेंटेज दे दूंगा ना, फिर मुझे यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज देनी पड़ेंगी कि 60, 70, 80, 90 ऐसे करके। अच्छा, स्विच तो यूज़ इसी तरह होता है जो ऊपर हमने बनाया था ना, ये वाला यूज़ तो इसी तरह होता है स्विच, जो बुक्स में आपको हर जगह यही एग्जांपल मिलेगी, लेकिन लोग इसके साथ बहुत कुछ करते हैं और भी अनडॉक्यूमेंटेड हरकतें करते हैं। ये वाला जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, ये होम गैलरी कॉन्टैक्ट अबाउट वाला, ये वाला यूज़ करना चाहिए। जो ये कॉम्प्लेक्स कंडीशंस है ना, ये इस तरह वाली कॉम्प्लेक्स कंडीशन जो है उसके लिए इफ एल्स बेहतर है, ज़्यादा रीडेबल भी रहता है कोड आपका और वो सही भी है। जहाँ पे सिंपल केसेस होते हैं वहाँ पे हम स्विच लगाते हैं, रीडेबिलिटी उससे बढ़ जाती है थोड़ी, और सम टाइम स्पीड भी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है जी, तो ये हमने डिटेल डिस्कशन कर ली आज थोड़ी स्विच स्टेटमेंट्स के ऊपर।
उम्मीद है कि स्विच स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। काफ़ी हमने इसके साथ एक्सपेरिमेंट भी करके देखा, फर्दर इसको खुद से भी स्टडी कीजिएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर आपसे। असाइनमेंट कौन सा? अभी फ़िलहाल कोई असाइनमेंट नहीं है, जो मैंने लास्ट दिया था ना परसेंटेज कैलकुलेटर, वो तुम लोगों ने नहीं बनाया, बना के लाना।